तो दोस्तों आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड स्कूल के रिजल्ट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, फेल छात्रों के लिए दोस्तों क्या बड़ी खबर है, यूपी टेट सीटेट सुपर टेट की क्या नई न्यूज है, हर एक अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक और अपडेट निकल कर आती है कि रसोइयों को बिना नोटिस निकाला, डीएम से की शिकायत। जी हाँ दोस्त, एक बड़ी खबर यहाँ पर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज इस समय जो देश भर में बड़ी खबर है कि घर वाले समझाते रहे पर आफ्ताब के प्यार में पागल श्रद्धा भरोसा तोड़। आफ्ताब के साथ दिल्ली भाग आई, मन भरते ही एक रात आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर फ्रिज में भर दिया और रोज एक टुकड़ा जंगल में फेंक आया। दिल्ली पुलिस ने आज जब इस जघन्य वारदात का खुलासा किया तब विभत्स कहानी सामने आई। तो भैया जरा ध्यान रखिए, जो लड़के लड़कियां प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो देख लीजिए ये लव स्टोरी। अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया और एक टुकड़ा रोज जंगल में फेंकता रहा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। और चलिए अब जरा इस अपडेट को देखते हैं, डीएलएड परीक्षा डेट शीट की। देखिए गाइस, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा डेट शीट यही सेम टू सेम आने वाली है, लेकिन यहाँ पर खाली दिनांक में दोस्तों चेंजेस रहेगा। ठीक है, दिनांक हटा दिए थे हमने। दिनांक दोस्तों हमारी दिसंबर की फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक हो सकती है। और देखिए एक बात क्लियर है कि पेपर नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में ही होगा। और देखिए अब एग्जामिनेशन फॉर्म हमारे भरे जा चुके हैं। ठीक है, 12 नवंबर लास्ट डेट थी, लेकिन जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा करके आते लखनऊ एससीईआरटी में या जो भी मामला था, उन बच्चों का फॉर्म नहीं सबमिट हो पाया, काफी बच्चों का नाम नहीं शो हुआ, तो अब उनके लिए क्या नई खबर है। द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट सेम टू सेम ऐसी रहेगी, बस यहाँ पर दिनांक नई आ जाएंगे। ठीक है ना, डेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए गाइस, जल्दी इसको लेकर एक बड़ी खबर आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना है। और इस वीडियो में हम 14 नवंबर 2022 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी खबर और 15 नवंबर की अपडेट हम इस वीडियो में देख रहे थे। तो जरा इस अपडेट को देखते हैं। चकलवंशी विकासखंड मियागंज की ग्राम पंचायत पूर्वा की निवासी निराश्रित नन्न की प्राथमिक विद्यालय आपमऊ में रसोइयों का काम करती थी। डीएम को भेजे गए पत्र में बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान ने आपसी मिलीभगत से उन्हें बिना कोई कारण बताए व लिखित नोटिस के दिए जाने और खाना बनाने से मना कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको डायरेक्ट नौकरी से निकालता तो भैया एक ऑप्शन था, इन्होंने क्या किया, डीएम से शिकायत की। तो गाइस यही बात है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चों ने संघर्ष किया, आरक्षण मामलों पर 6,800 सीटों पर उनको नियुक्ति पत्र आने वाले समय में मिलेगा, 1,000 सीटें दोस्तों दी गई, एक नंबर कुछ से कुछ बच्चे फेल हो रहे थे। ठीक है, तो मतलब देखिए संघर्ष अगर आप करेंगे तो आपकी जीत पक्की है। अब यहाँ पर मामला है प्रत्यावेदन को लेकर, 3 बार जिन बच्चों की बैक लगी उन बच्चों का क्या होगा, 2 साल की फीस लगभग 82,000 से ज्यादा पैसा जमा है बच्चों का, या कुल मिला ले तो 1,00,000 से भी ज्यादा बच्चों का पैसा कॉलेज में जमा है, प्रैक्टिकल फीस इधर की फीस उधर की फीस जोड़ जाड़ लिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं जल्दी ही इस पर कोई फैसला आएगा, अभी तक इंतजार ही चल रहा है। और एक बात और, आप लोग बिल्कुल अपने कॉलेज से संपर्क में लगातार रहिए, कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता है dlredresult.com, यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे और परीक्षा डेट सीट भी। बाकी सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, 24 नवंबर लास्ट डेट है, जल्द से जल्द आवेदन करिए। यूपी टेट और सीटेट और जो हमारा सुपर टेट है, इसके लिए उम्मीद है कि आवेदन की प्रक्रिया 2023 में शुरू होगी। देखते हैं कि अपडेट आती है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।